मुरादाबाद जनपद के विजयनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स के घर के बाहर कुछ लोगों ने मामूली कहासुनी के चलते फायरिंग कर दी, जिसके बाद फायरिंग की आवाज से लोग जमा हो गए, जिसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पहले किसी बात को लेकर पीड़ित की दबंगों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद देर रात दबंग पीड़ित के घर पहुंचे और घर के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि फायरिंग की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस से दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लड़ने लग गए, शूट करने लग गए, एकदम से मोंटी को गाली बोले तो मोंटी को थप्पड़ मार दी। उन्होंने इस बात को लेकर शूट कराया कि कल लड़ाई हुई थी तो मोंटी को थप्पड़ रख दिया था। वो आया निहाल, निहाल आते ही उन्होंने बाइक खड़ी करी, उन्होंने बोले ऋषभ भैया से बात करता हूँ, करूँगा मैं तेरे से निकालूंगा। तो उसके बाद मोंटी कुछ बोले होंगे तो उन्होंने बोला कुछ ऐड कैसे रहा है, तो मोंटी को गाली पका तो उन्होंने मोंटी को रैपिड रखा, रैपिड रखा तो उन्होंने राम ने फायरिंग कर दी। मुरादाबाद के सिहारा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 40 साल के एक युवक पर मकान का छज्जा गिर गया। आपको बता दें कि छज्जा गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही एक 8 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बच्चे को सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने शव को लेकर सिहारा चौकी का घेराव किया और मकान के मालिक पर उचित कार्यवाही करने की बात कही। ये हमें सूचना मिली थी कि उसमें सिहोंडारा में सीएम इंटर कॉलेज के पास में एक हादसा हो गया, छज्जा गिर गया। हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे तो एक आदमी उसमें एक्सपायर हो गया, एक बच्चा ज़्यादा इंजर्ड था तो उसे हम तुरंत पीआरबी से लेकर हम सरकारी हॉस्पिटल में।